पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीति के कोरोना काल से तेजस्वी यादव ने बाहर निकलने का वायदा किया कि 1 सितंबर को हम प्रकट होंगे, विधानसभा में नजर नहीं आए। जाति सर्वे हमने करा करके देश में मानक स्थापित कर दिया। तेजस्वी यादव जी, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, जाति सर्वे हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव धरने पर बैठने वाले हैं, धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। 1 सितंबर से वो इस धरने की शुरुआत करेंगे। मुद्दा है जातीय जनगणना और आरक्षण। इन मुद्दों को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है तेजस्वी और अब धरने पर बैठने की तैयारी में है। तो वहीं नीतीश कुमार के हनुमान नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जबरदस्त निशाना साधा है और कई सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, काफ़ी समय पहले वहाँ जाति जनगणना कराई गई लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया। वहाँ जाकर तेजस्वी यादव क्यों नहीं धरना करते? तेजस्वी वहाँ जाएं, धरना करें, मैं भी उनका साथ इस धरने में दूंगा। इस मुद्दे पर जबरदस्त निशाना साधते नजर आए हैं नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुने। आप लोग या तो स्पेस दे रहे हैं या नहीं लग रहा कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर अगर बिहार विधानसभा चुनाव में आया तो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए सरदर्द होगा। राजनीति के कोरोना काल से तेजस्वी यादव ने बाहर निकलने का वायदा किया कि 1 सितंबर को हम प्रकट होंगे, विधानसभा में नजर नहीं आए। जाति सर्वे हमने करा करके देश में मानक स्थापित कर दिया। तेजस्वी यादव जी, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, जाति सर्वे हो चुका है, धरना का समय तय करिए, हम भी चलने को तैयार हैं। चलिए मिल करके कहेंगे, रिपोर्ट प्रकाशित करो। पश्चिम बंगाल में आपके सहयोगी की सरकार है, झारखंड में सरकार है, केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना होगा, यह तो एक विमर्श का विषय है। लेकिन राज्य सरकार को भी नीतीश कुमार जी ने बता दिया कि आपको अधिकार प्राप्त है तो गैर भाजपा शासित प्रदेश में जाति सर्वे कैसे होगा, कब होगा और उसकी मुहिम के आप हिस्सेदार बनिएगा कि नहीं, इस सवाल का जवाब दीजिए। और साथ ही साथ 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आपके बयान का और आपके बयान का हमने प्रतीक्षा नहीं किया, आपके अनुरोध का नहीं किया, राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया। परेशानी दूसरी बात को लेकर के है कि जमीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है, खुलासा बड़ा होने वाला है। जो बेनामी संपत्ति है, जिसका म्यूटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, वैसी संपत्ति जब चिन्हित होगी तो पेट में दर्द हो रहा है। तो आप जाति आरक्षण को आप मुद्दा बनाइएगा, यह मुद्दा चलना नहीं है, क्योंकि आरक्षण के संदर्भ नीतीश कुमार जी ने जो काम कर दिया वह एक ऐसा मील का पत्थर हुआ है कि वह आपके न पिताजी कर पाए न आप सोच भी सकते हैं। क्यों नहीं, उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, राज्य सरकार को अनुरोध करने का अधिकार है, हमने तुरंत कर दिया बगैर देर किए। लेकिन मूल विषय है जमीन सर्वे वाला परेशानी है, उसके चलते ही परेशान है कि अब क्या होगा। जो दान पात्र दान में जमीन मिला, अब जमीन का कागज दिखाइए, कागज तो दिखाना पड़ेगा कि दान में आपको क्यों मिला जमीन, किसने दिया दान में। ये सब सीलिंग एक्ट है, सीलिंग एक्ट में 15 एकड़ जमीन रखना है तो उससे ज्यादा जमीन रखे हुए हैं। ये सब झंझट के चलते मुद्दे को बदलना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा तो सरजमी पर वही है। आपने दावा करें तो बोली लगी, तो बोली लगी तो पैसा जमा हुआ, वो तो खनन मंत्री उनके रहे हैं ना, उनको नीलामी के प्रक्रिया की जानकारी होगी, माइनिंग की जानकारी होगी, तो नीलामी किसने लिया कृपा करके बताइए तेजस्वी यादव जी। मुद्दे को भटकाइए नहीं, केवल सर्वनाम में नहीं संज्ञा में आइए। अरे डीपीएस में पढ़े तो नाउन में बोलिए, नाम बोलिए कि इस पदाधिकारी का पोस्टिंग हुआ है इतने पैसा लेकर करके और इस पदाधिकारी ने पैसा लिया और उसके विभाग के सामने चलिए, फेसबुक लाइव करिए, हम सामने खड़े रहेंगे आपके। बोले जग जाहिर है, जग जाहिर होने से होगा, तो जग जाहिर ही है। अब लालू जी ज्योतिष हैं, 31 तारीख को तो केंद्र सरकार गिर जाना है,
31 अगस्त तक ना डेडलाइन उनका है कि 31 अगस्त तक केंद्र सरकार गिर जाएगी। तो लालू जी ज्योतिष शास्त्र से वो बता रहे हैं तो बताइए, नाम बताने में डर काहे ले रहे हैं? डर किस बात का आपको? इतना सिक्योरिटी आपको है, आपको है, आपकी माँ को है, आपके पिताजी का है, सबका सिक्योरिटी है, तो आपको खतरा किस बात का है? नाम लीजिए एक बार, हिम्मत करिए, नौजवान है कि नाम लीजिए कि फला पदाधिकारी ने लिया और फला पदाधिकारी का पोस्टिंग हुआ, जरा बताइए। और अगर बता दीजिएगा, मैं चुनौती दे रहा हूँ तेजस्वी यादव आपको, 48 घंटे के अंदर उस पदाधिकारी को नाप देंगे, 48 घंटा के अंदर। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर कई आरोप लगाते नजर आते हैं। हमने आपको बताया था किस तरीके से उन्होंने नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाया था कि उनके अगल बगल बैठे चमचे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का काम करते हैं, पैसे लेते हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं, जिसके बाद लगातार एनडीए के नेताओं का ये कहना है कि तेजस्वी यादव इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो इसका सबूत भी दें। इसी क्रम में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी लगातार तेजस्वी यादव से सबूत मांगते नजर आ रहे हैं। आज फिर उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है, अगर सबूत है तो 48 घंटे के अंदर ऐसे लोगों का नाम उजागर करें, फेसबुक लाइव करें, मैं भी उनके साथ रहूंगा। और जिन लोगों का भी नाम सामने आएगा, जिन लोगों के भी खिलाफ सबूत मिलेगा, 48 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। नीरज कुमार ये बड़ा बयान देते नजर आए हैं, सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है। तो वहीं 1 सितंबर से तेजस्वी यादव जिस धरने पर बैठने की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर ये सारा बवाल है। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां ऐसा धरना क्यों नहीं करते? कर्नाटक जहां जातीय जनगणना तो हुई लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया, वहां जाकर धरना क्यों नहीं करते हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी वहां जाएंगे तो मैं भी उस धरने में उनका साथ दूंगा। तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हनुमान, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।